नमस्ते, मेरा नाम नम्रता पाय है और मैं मैकपाई स्पीच थेरेपी नामक एक संस्थान की डायरेक्टर हूँ जो बैंगलोर में है। और हम ऐसे बच्चों को देखते हैं जिनको बातचीत में तकलीफ है। और ये वीडियो जो मैं आपको अभी जो मैंने बनाया है और जो एक्टिविटी मैं बताने वाली हूँ, इसमें आप अपने बच्चे के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं और इसी एक्टिविटी में आप उसको अलग अलग चीज़ें सिखा भी सकते हैं। सो इस एक्टिविटी का नाम है अलार्म बजाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक अलार्म अपने पास रखना है, अपना फ़ोन का अलार्म रख सकते हैं या फिर एक बेल रख सकते हैं, और आपने अपने बच्चे को ये बोलना है कि जब मैं ये बेल बजाऊंगी तब आपने घर में जो जो चीज़ें लाल कलर की हैं वो सारी चीज़ें लेके आनी हैं। या फिर आप कलर वाइज ऐसे बता सकते हैं या फिर आप शेप वाइज बता सकते हैं कि जो जो भी चीज़ें गोल हैं, जो भी सर्कल हैं, सर्कल शेप की हैं, वो चीज़ें लेके आओ। एंड बच्चे ने ये करना है कि ढूंढ कर वो चीज़ें आपको ला कर देनी हैं। आप यही गेम शेप या कलर के अलावा आप कैटेगरी के हिसाब से भी खेल सकते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो भी आपको जो भी आप चीज़ें बाथरूम में यूज़ कर करते हैं, ऐसी तीन चीज़ें मुझे लेके आओ, या फिर कोई तीन एनिमल्स लेके आओ, या कोई तीन किचन की चीज़ें लेके आओ। सो इस तरीके से आप बिना नाम बताए आप ये देख सकते हैं कि बच्चा समझ पा रहा है जो आप उसको बता रहे हैं। और अगर वो समझ पा रहा है तो आप फिर उसमें नंबर भी बढ़ा सकते हैं कि जब तक मैं फिर बेल फिर से बजाती हूँ तब तक जितने आप इकट्ठा कर सकते हैं सामान, उतना सामान इकट्ठा करके आइए। और जब बच्चा आपके पास ये सामान लेके आता है तब आपने फिर आप उसकी गिनती कर सकते हैं या उसके नाम बता सकते हैं। और क्योंकि बच्चों को सेल्फी लेना काफ़ी पसंद है या फोटो लेना बहुत पसंद है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस एक्टिविटी के बाद बच्चे की एक सेल्फी ले सकते हैं उन सब चीज़ों के साथ, क्योंकि फिर आप उस सेल्फी या उस फोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में बात करने के लिए। जैसे कि जब ये एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी और आप सेल्फी ले लेंगे, फिर आप वो फोटो ओपन करके फिर बात कर सकते हैं कि अच्छा हमने ये आज गेम खेला और आप क्या क्या चीज़ें लेके आए, आप प्लेट क्यों लेके आए, या फिर आज जो जो गोल चीज़ें आप लेके आए उसमें से कौन सी चीज़ आपकी सबसे पसंद की चीज़ है। इस तरीके से आप उस एक्टिविटी के साथ बच्चे को ढूंढ के घूम के लेके आने में भी मज़ा आएगा, और उसके साथ साथ जब वो अपनी पिक्चर देखेगा, अपनी फ़ोटो देखेगा, तो आप वो फ़ोटो के बारे में भी बात करते हुए काफ़ी सारा लैंग्वेज एक्सचेंज कर सकते हैं। थैंक यू।